Hey everyone, welcome back to my channel. And in today's video, I'm going to review two products which I have ordered from Amazon. और ये कैसा ब्रांड है जो मेरे लिए नया है. मैंने फर्स्ट टाइम इसके प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन से ऑर्डर किए. बोथ अ सीरम, वन इज हेयर सीरम एंड अदर वन इज फेस सीरम. एंड ये जो दो सीरम है, ब्रांड का नाम है सेवन डे सीरम. द स्किन सीरम इट सेज स्किन ब्राइटनिंग, एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट करेक्टर. सो दिस इज ऑल वी वॉन्ट इन एनी सीरम. एंड जो हेयर सीरम है, इट सेज न्यू फॉलिकल्स रिपेयरिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड शाइनिंग. आई थिंक हम सबको ये चाहिए होता है. सो एंड ऑल्सो आई एम अ बिग बिलीवर इन ट्राइंग न्यू प्रोडक्ट्स. मुझे जहाँ पे भी नए नए प्रोडक्ट मिलते हैं स्किन एंड हेयर के लिए, आई वॉन्ट टू ट्राई. दिस इज समथिंग that keeps me going. So ये जो दो सीरम है मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए हैं. एंड द प्राइस इज एक्चुअली $19.99 ऑन सेल. एंड द हेयर सीरम इज एनरिच्ड विद आर्गन, बायोटेन, जिंजर, एलो एंड एसेंशियल ऑयल. सो ऑल यू नो द इंग्रीडियंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं. एंड जो स्किन सीरम है, दैट इज एनरिच्ड विद एक्टिव वाइटमिन सी, विटामिन ए, सैफ्रन, कैमोमाइल एंड 101 एसेंशियल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट द पैकेजिंग. एग्जैक्टली सेम पैकेजिंग है हेयर एंड स्किन की. सो इफ़ यू बाय बोथ ऑफ देम, यू नीड टू एक्चुअली सी जब आप यूज़ कर रहे हैं कि कौन सा हेयर है, कौन सा स्किन है. बिकॉज बिल्कुल ही सेम लगते हैं दोनों, कोई भी डिफरेंस नहीं देखने में. जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है, दोनों की बहुत अच्छी है. जो स्किन है और हेयर है वो दोनों की अच्छी है. इसमें यू कैन स्मेल द टी ट्री, अच्छे से पता चलता है कि इसमें टी ट्री है. इसमें लेवेंडर अच्छे से पता चल रहा है कि इसमें वो है. नाउ बिकॉज जो सीरम्स होते हैं वो काफ़ी आपके स्किन को इम्प्रूव करते हैं, बिकॉज जो उनकी पोटेंसी होती है वो भी अच्छी होती है. और अपने सीरम्स को आप पहले लगा सकते हैं एंड उसके बाद आप अपनी जो भी कोई और मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाते हैं वो लगाएं. एंड दिस इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ सीटीएम रूटीन. पहले आप क्लिनजिंग करेंगे, टोनिंग करेंगे, उसके बाद आप सीरम यूज़ करके फिर अपना जो मॉइस्चराइजर है आप वो लगा लें. क्योंकि आजकल अब विंटर आ गया है तो यू नीड टू यूज़ मॉइस्चराइजर या कोई भी एंटी एजिंग क्रीम जो आप लगाते हो हाइड्रेशन के लिए, वो लगाना ज़रूरी है. नाउ जो ये सीरम है वो बहुत लाइट वेट सीरम है, बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में. आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि सीरम यू नो हैवी नहीं है बिल्कुल भी. दैट इज़ वेरी गुड. एंड जो पंप पे बहुत अच्छा काम करता है, जितना अमाउंट आपको चाहिए होता है उतने ही निकलता है. आई शो यू गाइस कि ये दोनों सीरम जो है वो यूज़ कैसे करने हैं. तो सबसे पहले फेस का जो सीरम है उसके लिए आप क्लिनजिंग कर लीजिए, जो भी क्लिनजर आपको चाहिए. उसके बाद टोनिंग जो है फेस की वो करनी है. तो उसके लिए आप कोई भी टोनर है वो यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं या फिर कॉटन बॉल पे लेके लगा सकते हैं. रोज़ वाटर है, आप वो भी एज अ टोनर बहुत अच्छा काम करता है तो आप वो भी लगा सकते हैं. तो जस्ट टोनर लेके आप पहले पूरी स्किन पे लगा लें एंड इंक्लूडिंग द नेक. एंड उसके बाद जो सीरम है उसको ऐसे आप केवल अपने हाथ में एक बार पंप करिए एंड ऐसे फेस पे डॉट्स लगा के. इसकी जो कंसिस्टेंसी वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड दैट्स इट, यू आर डन विद द फेस सीरम. सो व्हाट आई एम डूइंग कि रात में तो सीरम लगा ही रहे हैं, बट इवन इन द मॉर्निंग आई वॉश माई फेस एंड आई एम पुट ऑन दिस सीरम बिकॉज आई एम रियली लैकिंग द इफेक्ट ऑफ दिस सीरम. इसका जो इफेक्ट है वो बहुत सही है, स्किन पे ब्राइटनेस लाता है. स्किन एक्चुअली यू नो व्हेन यू यूज ऑल दीज थिंग्स देन यू सी द चेंज इन टेक्स्चर ऑफ योर स्किन एंड इन द मॉर्निंग द वे स्किन फील्स. दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन रियली शो इट टू समवन, बट यू एक्चुअली फील द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज सीरम्स बिकॉज इसमें जो इंग्रीडियंट्स होते हैं अच्छे होते हैं. हेयर सीरम ने रियली मेरे को बहुत हेल्प किया है. एंड आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो मुझे एक बार शैम्पू कर लिया तो आई कैन नॉट पुट एनी सीरम इन माई हेयर. मुझे अपने बालों में ज़रा सा भी ऑयलीनेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. आई ओनली पुट ऑयल वेन आई नीड टू, जब मेरे को शैम्पू करना है. वन डे बिफोर दैट आई पुट ऑयल इन माई हेयर. तो ये जो सीरम है थोड़ा सा तो इसमें ऑयल का इफेक्ट है कि अगर आप लगाएंगे तो हल्का सा ऑयल का इफेक्ट दिखेगा. सो दैट इज़ वाई वॉट आई डू कि जब मुझे बालों में ऑयल लगाना होता है तो दैट नाइट आई पुट ऑन दिस सीरम
And then, you know, every 3 days I'm putting on this serum and then I put my oil. So this is how I'm using this. Now for the hair serum, क्योंकि जो hair serum है वो आपको केवल अपने scalp में लगाना है, तो केवल roots में लगाना है आपको, तो आप same way लेंगे उसको. और this has a texture like oily texture है थोड़ा सा, तो इसको just आप you know parting करके आप लगा सकते हैं. अगर आप चाहें तो यू नो कॉटन लेके भी उससे लगा सकते हैं. बट एवरी टाइम आई पुट दिस ऑन आई फील रियली गुड. बहुत अच्छा सा ऐसे फीलिंग होता है. और जो सीरम है बहुत ही लाइट वेट है ये. एंड आई थिंक देर इज समथिंग, मे बी टी ट्री ऑयल है या देर समथिंग रोजमेरी, समथिंग इज देयर दैट, यस टी ट्री ऑयल इज देयर. दैट इज वॉट आई थिंक दैट मेक्स यू फील हल्का सा ठंडा ठंडा सा लगता है ये लगा के. एंड बेसिकली यू फील कि हाँ कुछ लगाया है. दैट फीलिंग यू नो यू गेट वेन एवर आई पुट दिस ऑन. एंड इस सिरम को लगाने के बाद इफ़ यू गाइज वॉन्ट तो आप हल्की सी मसाज करके और यू नो शावर कैप लगा के अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें जो स्टीमिंग है वो भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहेगी. जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू करा है तब से आई सी कि उतना हेयर फॉल नहीं हो रहा है. सो फॉर दैट वे ये जो सिरम है बहुत अच्छा काम कर रहा है. द ओनली प्रॉब्लम आई हैव विद सिरम्स दैट इज़ यू नो वो जो ऑयलीनेस आ जाती है दैट आई कैन नॉट टेक इट. सो अगर आप लोग लगा सकते हो सिरम को तो आप वॉश करके लगा लें, बिकॉज इंस्ट्रक्शन इज़ कि आप वॉश करके हेयर शैम्पू करके उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स लेके आप स्कैल्प में लगा लें. एंड आई वुड डेफिनेटली यू नो ऑर्डर दीज अगेन बिकॉज आई एम रियली लाइकिंग द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम. एंड आई थिंक हेयर वाला तो रियली बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बिकॉज हेयर वॉज समथिंग की जो थोड़ा सा मेरा हेयर फॉल फिर से शुरू हो गया था. सो फॉर दैट आई एम रियली लाइकिंग दिस. एंड दीज आर इजिली अवेलेबल ऑन अमेजोन, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर. सो दिस इज ऑल माई रिव्यू फॉर दीज टू सीरम्स.